नमस्कार, मैं कीर्ति भंडूला। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय लेकर आई हूं जो शायद नया नहीं है। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पने वाली कंपनीज के बारे में आप हर रोज ही सुनते होंगे। देश में बड़ा स्कैम करके विदेश भागने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भला कौन नहीं जानता। लेकिन इन लोगों के से इतर कुछ लोग ऐसे हैं जो MLM कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग और पोंजी स्कीम के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसी ही कुछ कंपनी यूपी की राजधानी लखनऊ में भी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। तो जानिए कौन सी वो कंपनीज हैं जो लखनऊ में बैठकर लोगों को सुहाने सपने दिखाकर उनकी मेहनत की कमाई को चट कर जा रही है। आज के दिन में पैसे किसे अच्छे नहीं लगते। हर रोज लाखों लोगों की भीड़ पैसों का ख्वाब अपनी आंखों में लिए घरों से निकलती है। सभी को सिर्फ अब पैसा कमाना है। बस लोगों के इसी ख्वाब का फायदा कुछ ऐसी कंपनियां उठा लेती हैं जो उन्हें रातों रात अमीर बना सके या फिर उनके पैसों को कुछ महीनों में डबल कर सके। इस देश में ऐसी कंपनियों का चलना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ऐसे कई मामले आए हैं और ऐसी कई कंपनियां पकड़ी गई हैं जो लोगों के पैसों को चट करके विदेश भाग जाती हैं और पैसा लगाने वाले बेबस लोगों की या तो जाने चली जाती हैं या फिर वो कोर्ट में केस लड़कर बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। हालांकि भारत में इन कंपनियों पर नकेल कसने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक विधेयक तो लाई है जो 2019 में पास हो गया था। उस वक्त केंद्र वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ और कड़े लफ्जों में कहा था कि कोर्ट में जाने के बाद ऐसे मामलों को 180 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाएगा। साथ ही इस विधेयक में अब नियमित पोंजी स्कीम चलाने के अपराध में 1 साल से 10 साल तक की जेल की सजा या 2 लाख से 50 करोड़ रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव बिल सरकार यहाँ पर लेकर आई है जिसमें सबसे पहला राइट किसी का होगा तो डिपॉजिटर का होगा। सर, जो डिपॉजिटर है उसका सबसे पहला राइट इस पर होगा, ये इसकी प्राथमिकता भी है। समय सीमा तय की गई है कि कितने दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करनी है, कौन कौन अथॉरिटीज होगी, राज्यों को रूल बनाने के अधिकार भी दिए गए हैं। इन सब विषयों पर हम विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी द्वारा भले ही कानून का प्रावधान किया गया हो, लेकिन क्या फायदा ऐसे कानून का जब लगातार ऐसी कंपनियां अपना पैर पसार रही हैं, लोगों के ख्वाबों के साथ खेल रही हैं और उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर रही हैं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में इन दिनों ऐसी 3 बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं। वास्तुम, वसुंधरा और विश्वास ट्रेडिंग नाम से चल रही ऐसी कंपनियां जो लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही हैं। जी हाँ, इन तीनों कंपनियों पर हजारों की तादाद में FIR भी दर्ज है, लेकिन बावजूद इसके ना ही पुलिस इन पर हाथ डाल रही है और ना ही सरकार। न जाने कितने बेबस लोग हैं जो दर बदर सिर्फ इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, लेकिन लोगों को इंसाफ मिल नहीं रहा। ऐसी कंपनियां शुरुआत में तो आपको कुछ पैसा तो देती हैं, लेकिन बाद में लोगों के पैसे को इकट्ठा करके विदेश भाग जाती हैं। और फिर सरकारों का यही रोना होता है कि जो भी आर्थिक अपराध करके भारत छोड़कर भागे हैं उन्हें हम वापस लाएंगे। ये भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कानून लेके आई है। ऐसी जो कंपनियां हैं जो सिर्फ पूंजी एकत्रीकरण कर रही है विभिन्न माध्यमों से और उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, इन फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए हमने कानून बनाया और देश में ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। तमाम लोग उसके संज्ञान में आए, कठोर कार्रवाई हो रही है और जिनपे भी संज्ञान में आ रहे हैं, जिनके बारे में भी जानकारियां हो रही, जिनके भी रिकॉर्ड मिल रहे हैं, उन पर भारत सरकार कठोर। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब। सरकार द्वारा वादे तो तमाम कर दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है और बेबस लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरे उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब केंद्र में बैठी मोदी सरकार ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाएगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम TV इंडिया।